गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश यादव। और सबसे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने बताऊंगा। मेन मेन जो चीज़ें हैं शारीरिक शिक्षा की, जो स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो पहले तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे वैदिक काल है, प्रारंभिक काल है और मध्यकालीन युगीन है, तो इनकी बात करते हैं। तो इनकी जो सन होती है वो हमें ईयर के अंदर, बीसी के अंदर, ईसा पूर्व, ऐसी बातें करते हैं। तो पहली बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्टार्टिंग डेट मानी जाती है 3250 बीसी से 2500 बीसी तक मानी जाती है। इसके अंदर क्या स्पेशल चीज थी, इस ड्यूरेशन के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ओनली फॉर नृत्य इंपॉर्टेंट था, उस ड्यूरेशन में नृत्य ज्यादा प्रचलित था। देन दूसरी बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की जो स्टार्टिंग डेट मानी जाती है 2500 बीसी से लेके और 600 बीसी ईसा पूर्वी तक, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित चीजें थी वो थी सूर्य नमस्कार और गुरुकुल। उस टाइम पे विद्यालय नहीं होके गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो ओनली फॉर सूर्य नमस्कार की दी जाती थी। देन प्रारंभिक काल, हिंदू काल की बात करें वो 600 बीसी से लेके 350 बीसी तक, जिसके अंदर नाटक और नृत्य दोनों थे। क्योंकि कई बच्चे इस ड्यूरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु घाटी के अंदर क्या था, नृत्य था। देन इसके अंदर क्या है, सीधा सा नाटक प्लस नृत्य दोनों ऑप्शन आएंगे जब एग्जाम होगी पीटीआई शारीरिक शिक्षा भर्ती की उसके अंदर। देन उसके बाद करते हैं मध्ययुगीन काल की। तो मध्ययुगीन काल है 1000 एडी टू 1757, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित था तीरंदाजी। थैंक यू।